सिस्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, जो आगामी टीजीटी परीक्षा 2019 सीटेट टेट केवीएस और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो मेरा यह चैनल आप सभी सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो पूरा देखें बिना स्क्रिप्ट हुए और अपने दोस्तों और ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए देखते हैं। पहला है प्रश्न, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? विकल्प ए है 14 सितंबर 1949 को, विकल्प बी है 21 सितंबर 1949 को, विकल्प सी है 23 सितंबर 1949 को, विकल्प डी है 25 सितंबर 1949 को। इसका उत्तर होगा विकल्प ए। विकल्प ए इसका उत्तर सही है, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, ये देखते हैं, प्रश्न दो है, रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है? विकल्प ए है हिंदुस्तानी, विकल्प बी खड़ी बोली, विकल्प सी उर्दू, विकल्प डी अपभ्रंश। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है खड़ी बोली। रानी केतकी की कहानी की भाषा खड़ी बोली है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, ये देखते हैं, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई जिसे चारणों ने नाम दिया, क्या नाम दिया? ए टिंगल भाषा, विकल्प बी मेवाड़ी भाषा, विकल्प सी मारवाड़ी भाषा, विकल्प डी पिंगल भाषा। इसका उत्तर क्या होगा? विकल्प थ्री का है डी पिंगल भाषा। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की एक रचना है? विकल्प ए है पंच परमेश्वर, विकल्प बी उसने कहा था, विकल्प सी ताई, विकल्प डी खड़ी बोली। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है विकल्प ए पंच परमेश्वर। प्रेमचंद की रचना क्या नाम है? पंच परमेश्वर। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? विकल्प ए रथ, विकल्प बी उत्साह, विकल्प सी हास, विकल्प डी परिहास। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? विकल्प बी इसका सही है, उत्साह। नेक्स्ट है छठवां प्रश्न है, देखन जो पाऊं तो पठाऊं जम लोक हाथ, दूजो ना लगाऊं वार करो एक कर को, ये पंक्तियां किस कवि द्वारा सृजित हैं? विकल्प ए है हृदय राम द्वारा, विकल्प बी है अग्रदास द्वारा, विकल्प सी है तुलसीदास द्वारा, विकल्प डी है नाभादास द्वारा। छठे का उत्तर क्या है? विकल्प डी नाभादास की पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है सातवां है सात प्रश्न है, भक्तमाल भक्त काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता कौन थे? रचयिता थे विकल्प ए है बल्लभाचार्य, विकल्प बी है नाभादास, विकल्प सी है रामानंद, विकल्प डी है नंददास। भक्तमाल के रचयिता कौन है? इसका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी इसका सही है, नाभादास भक्तमाल के रचयिता थे। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, अमीर खुसरो किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? विकल्प ए है ब्रजभाषा, विकल्प बी है अवधी, विकल्प सी है खड़ी बोली, विकल्प डी है भोजपुरी। इसका उत्तर क्या होगा? विकल्प सी खड़ी बोली। नेक्स्ट है नौवां प्रश्न, त्रिपुरा की राजभाषा है? विकल्प ए हिंदी, विकल्प बी नागा, विकल्प सी संस्कृत, विकल्प डी है इसका बांग्ला। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है विकल्प डी, त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। नेक्स्ट है दसवां और लास्ट प्रश्न है, हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? इसका विकल्प ए है निष्पन्द, विकल्प बी
शिव सिंह सेंगर, विकल्प सी है रामचंद्र शुक्ल, विकल्प डी है रामविलास शर्मा। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर विकल्प सी है रामचंद्र शुक्ल। मित्रों, मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो यह वीडियो अधिक से अधिक ग्रुप और मित्रों में शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का।